केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर DRDO इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा, हमारी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के रक्षा क्षेत्र के भविष्य को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप भी हमारी सेना की तरह देश के एक मजबूत योद्धा हैं। समय और समाज में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हमें उसे और गहराई से समझने और भविष्य के लिए तैयार होना आवश्यक है। तथा इंजीनियर्स भारत के डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए कमिटेड हैं। मैं समझता हूं कि आप सब भी हमारी आर्म फोर्सेस के वैरियर्स की तरह ही देश के एक मजबूत वैरियर्स हैं। साथियों, समाज समय और समाज में जिस तरह से लगातार ये परिवर्तन हो रहा है, उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं। हमें उसे गहराई से, मैं समझता हूं कि और समझने और उसके अनुसार भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। ऐसा आप सब भी अनुभव करते होंगे। आज समय के जिस पड़ाव पर हम हैं, इसका सही तरह से मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना भी, मैं समझता हूं, यह उचित होगा। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं बस आपके सामने इतिहास की उन चीजों का जिक्र करूंगा जहां से इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होनी शुरू हो गई। मित्रों, आप सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मानव जीवन में व्यापक स्तर पर मॉडर्न साइंस का समावेश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही किया था, और 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में बड़े पैमाने पर अलग अलग आविष्कार भी हुए थे। स्टीम इंजन, पावर लूम और अनगणित मशीनों का आविष्कार हुआ और दुनिया ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ते हुए प्रत्यक्ष देखा भी।